नमस्कार दोस्तों, रिपेयरिंग विथ निरंजन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज तक आपको एक चीज़ नहीं बताया हूं, जो कि इस वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा। आपको मैं यह बताऊंगा कि यदि आप प्रेशर कुकर खरीदे हैं तो इसे कैसे उपयोग करना है और कैसे ब्लास्ट होता है उससे कैसे बचना है और अपने परिवार को बचाना है और अगल बगल को भी बचाना है। तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एक घर में प्रेशर का कुकर होता ही है, जिससे हमारा खाना आसानी से पकता है और कम समय में जल्दी पकता है, स्वादिष्ट बनता है और हमें पोषक तत्व पूरा मिलता है यदि हमारा खाना प्रेशर कुकर में बनता है। तो चलिए इस वीडियो में भी मैं आपको बताता हूँ कि प्रेशर कुकर को कैसे उपयोग में लाएँ और किन किन सावधानियों का हम जानकारी प्राप्त करते हैं, इस वीडियो में सीखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, तो यह हॉकिंस का प्रेशर कुकर है, चाहे आपका कोई भी कंपनी का प्रेशर कुकर हो, लेकिन प्रेशर कुकर को जैसे आप घर में लाते हैं, जैसा कि मान लीजिए मैं खरीद के लाया हूँ, ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ हमें इसमें सीखना पड़ता है कि प्रेशर कुकर को सबसे पहले हम इसे कैसे लगाएंगे, कैसे इसका ढक्कन बंद करेंगे, कैसे खोलेंगे, पहला यही चीज़ सीखना होता है, बाद में बनाने की बात को सीखेंगे। तो जैसा कि कुकर है, देख सकते हैं, मान लीजिए यह आपका यह जो बॉडी है, प्रेशर कुकर बॉडी, इसका यह मेन हैंडल हुआ, यह मेन हैंडल हुआ और यह साइड हैंडल हुआ और यह है ढक्कन, ये प्रेशर कुकर का ढक्कन है। तो यह इस ढक्कन में क्या क्या, मैं आपको बता दूं पहले, ये व्हिसिल है, देख सकते हैं व्हिसिल है, ये गैस्केट है जिसे हम लोग रबड़ बोलते हैं और यह लीड बोलते हैं ढक्कन, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर आप यूज करते हैं तो सबसे पहला चीज़ क्या देखना है, सबसे पहला चीज़ इसका जो है छेद, इसको देखना है कि यह छेद पूरी तरह से क्लियर है या नहीं। इसके साथ ये जो अगल बगल में जो छेद छेद दिखाई दे रहे हैं, इसे भी देखना है कहीं ये लॉक तो नहीं है। कभी कभी प्रेशर कुकर नया में भी ऐसा होता है कि यह लॉक हो जाता है, तो वैसी स्थिति में सबसे पहले वेंट पाइप को चेक करना है, उसके बाद इसका जो सेफ्टी बल्ब है इसे चेक करना है कि यह होल तो नहीं है या ढीला तो नहीं है, इसे चेक करना है। उसके बाद रबर को देखना है कि रबर हमारा सही स्थिति में है या नहीं, कहीं कटे फटे या कहीं पे दबा हुआ तो नहीं है, उसे चेक करना है। उसके बाद रबड़ को ढक्कन में इस तरह से लगाना है, ये देखिए, यदि आपका हॉकिंस का प्रेशर कुकर है तो आपका रबड़ आसानी से लग जाएगा। यदि आप हॉकिंस का ही रबड़ लिए हैं, अपने पास रखे हैं तो उसके बाद में सीटी को भी देख लेना है अच्छी तरह से कि इसका जो रिंग है या सही स्थिति में है या नहीं, और सीटी को लगाने के लिए इस तरह से पकड़ के यहाँ पे इस तरह से दबाना पड़ता है। जब तक आप इसे नहीं इस तरह से प्रेस करेंगे, ये अंदर की ओर नहीं जाएगा। अगर हम ऐसा बढ़ाएंगे तो नहीं, जिसे दबाना पड़ता है, जैसे ये देखिए हमने दबा दिया, और इसे निकालना है सीटी को। जब भी हम धुलाई करते हैं तो प्रेशर कुकर का सीटी की सफाई भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो इसे निकालने के लिए क्या करना है, इस तरह पकड़ना और इसे खींचना ऊपर की ओर सीधे इस तरह से, इसे इधर उधर नहीं खींचना है, इधर बहुत को इधर उधर खींचते हैं और यह टूट जाता है, इसका जो वेंट पाइप होता है यह टूट जाता है। तो जब भी आप खींचिए सीटी को इस तरह से खींचिए, ठीक है। तो मैंने आपको बॉडी बता दिया, उसके हैंडल के बारे में और ढक्कन के बारे में बता दिया, तो अब इसे हम लगाएंगे कैसे। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि प्रेशर कुकर का ढक्कन को हम कैसे बंद करें और कैसे खोलें, तो इस वीडियो में इस चीज़ को भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम ढक्कन को बंद करेंगे तो इस तरह से हम डालेंगे तो नहीं बंद होगा, इस पोजीशन में कभी नहीं हमें डालना है, ये देख सकते हैं, इस पोजीशन में कभी नहीं डालना है। जब भी हम इसे डालेंगे तो हम मान के चलेंगे इस भाग को हम पूरब मानते हैं, पूरब, और इस भाग को मान लीजिए पश्चिम मानते हैं, पूरब पश्चिम। तो जो हमारा यह हैंडल रहेगा उसे हम रखेंगे इस तरह से, उत्तर दिशा में रखेंगे या दक्षिण दिशा में रखेंगे इस तरह से, तभी हमारा अंदर की ओर जाएगा। तो चलिए हम इसे पूरब माने पश्चिम और इसे माने उत्तर, तो इसे हम इस तरह से डालेंगे, ये देखिए, ठीक।
ठीक बीच में इस तरह से डालेंगे। इस तरह से डालने के बाद में इसे घुमा लेंगे और यह रबड़ को इस बॉडी में हम छिपाएंगे। जैसा कि यह देखिए, ये हमने छिपा दिया। अब छिपाने के बाद में इसे हम इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे इसका जो लॉक है, इस लॉक को ऐसे लगा देंगे। तो ये हमारा पूरी तरह से लग गया। तो सबसे पहले हम खाली कुकर को चेक करेंगे कि यह हमारा कुकर सही है या नहीं। खाना बनने के बाद जो इसमें भाप भरेगा वह सीटी दे रहा है कि नहीं, से हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए इसकी सीटी को हम निकालते हैं इस तरह से और यहाँ पे हम फूंक मारेंगे। अगर हम फूंक मारे और यह कुकर के अंदर पूरा भर गया और हमारा वह फूंक फिर से दोबारा यहीं से निकला, मतलब कि कुकर का लीकेज का किसी तरह का समस्या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें फूंक मार के देखते हैं। तो चलिए इसमें फूंक मार के देखते हैं कि यह सही से कंपनी के द्वारा बनाया गया है या गिर के रास्ते में लाने ले जाने में यह लीकेज हो चुका है। तो चलिए फूंक मारते हैं। तो आपको सुनाई दिया होगा कि यहाँ से हमारा फूंक बाहर की ओर वापस आए, मतलब लीकेज का कोई समस्या नहीं है। कभी कभी नया प्रेशर कुकर में भी यहाँ से अगल बगल से लीकेज हो जाता है। तो वैसी स्थिति में पहले आप, अगर आप सामान दुकान से अगर खरीद रहे हैं नया, तो भी खोल के फूंक मार के देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम ढक्कन को बंद करते हैं और चेक करते कि हमारा कुकर सही है या नहीं। अब फिर हम इसे खोलना सीखेंगे। तो फिर जैसे मान लीजिए हमारा इसमें खाना बन गया, कोई भी खाना बनाए, दाल चावल सब्जी कुछ भी बनाए, तो बनाने के लिए इसका मैं आपको उपयोग बता देता हूँ। कम से कम इतना दूर तक आप इसमें खाना पकाएं, पानी चावल जो भी हो ये देख रहे हैं यहाँ तक आप रखें, यहाँ तक, उसके बाद इस माप में आप इसमें खाना बनाएं। तो जो भी हमारा जो खाद्य सामग्री है, पानी नमक जो भी डाल दिए, उसके बाद इस तरह से लॉक करेंगे, ये देखिए, और इसे हम गैस चूल्हे में आँच में, यदि जो भी इंडक्शन विंडक्शन जो भी है उसमें इसे चढ़ाएंगे। और अब क्या करना, मान लीजिए हम इसे खाना बनाने के लिए चढ़ा दिए, बनने के लिए चढ़ा दिए, और जब यह सीटी मारेगा, दो चार सीटी मारने बाद हमारा खाना बन जाता है, तो इसे कैसे खोलेंगे। तो इसे खोलने के लिए सबसे पहले तो इसे हम आँच से उतारेंगे। आँच से उतारने के बाद इसे हम कोई भी, जैसे कलछुल हो गया, छोलनी हो गया, या कोई भी चीज़ से इसे हम उठाएंगे इस तरह से, और जितना सारा इसमें जो गैस है, हवा है, वह निकल जाएगा। उसके बाद में हम इस ढक्कन को खोलेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप खोलते हैं और यह इस तरह से गया, तो उसके बाद इसे हम इस तरह से खोलेंगे, ये देख सकते हैं, इस तरह से हम ऐसे खोल लेंगे। तो देखेंगे खाना पका है नहीं पका है, उसके बाद अपना खाना निकाल के खाएंगे पियेंगे। फिर इसकी धुलाई की जब समय आती है तो सीटी को निकाल लेंगे, रबड़ को निकाल लेंगे, धो के अलग अलग जगह सभी को रख लेंगे। तो इस तरह एक प्रेशर कुकर का उपयोग किया जाता है, और धोने समय इसकी सफाई ज़रूर कर ले। यही कुकर ब्लास्ट होने का कारण है कि यह लॉक हो जाता है खाद्य पदार्थों से, या सेफ्टी बल्ब कभी कभी फ्यूज होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, गांव देहात के लोग, इसमें कोई भी लोहे का चीज़ को डाल के इसे रिपीट मार देते हैं, इससे कुकर ब्लास्ट होता है। तो अगर यह फ्यूज हो जाए तो फ्यूज चेंज करना है, सेफ्टी बल्ब चेंज करना है, इसको रिपेयरिंग सेफ्टी बल्ब का कभी नहीं करना है। प्रेशर कुकर में सारा चीज़ आप रिपेयरिंग कर सकते हैं, सेफ्टी बल्ब का रिपेयरिंग कभी नहीं करने का, नहीं तो ब्लास्ट होने का। तो इस तरह दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने अगल बगल के दोस्तों पे इसे शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।